हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित निकी क्लब में। और आज हम संस्कृत की ग्रामर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे भाषा, लिंग और वचन। चलो शुरू करते हैं। पहले हम प्रार्थना पढ़ेंगे। उल्टी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा। वर देने वाली, स्वेच्छा से रूप धारण करने वाली माँ सरस्वती, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं विद्यारंभ करने जा रहा, मुझे सिद्धि अर्थात सफलता प्रदान कीजिए। अस्तो माँ सद्गमे तमस्योर माँ ज्योतिर्गमे मृत्योर माँ अमृतमगमे। ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चले। आज हम भाषा, जिसको लैंग्वेज कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। इसकी लिपि है देवनागरी लिपि है। भाषा की वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सके, वर्ण कहलाती है। संस्कृत भाषा में वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर, जिसको वोवल्स कहते हैं। व्यंजन, जिसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अयोग्य वा, इसको इम्प्रॉपर लेटर्स कहते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 है, हिंदी में 11 या 12 हो सकती है। देखिए, इनमें से ए, आ, ई, ई, उ, री, ली, री, री, री दो होते हैं, ये छोटा री और ये बड़ा री, इसके नीचे एक और मात्रा लग रही है। ली, ए, आई, ओ, औ, और जो हिंदी वाले वो शब्द, वो स्वर नहीं आते इसमें थोड़े से। अश्व स्वर, यानी स्वर के तीन भेद बताए। तो पहला है अश्व स्वर, जिसको स्मॉल वेवल्स कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वे अश्व स्वर कहलाते हैं। इनमें ए, ई, उ, री, ध्री, यानी इनमें कम समय लगता है। ये इस प्रकार अश्व स्वर पांच माने गए। एक मात्रा की गणना के लिए डैश का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे दीर्घ स्वर, जिसको इंग्लिश बोलते हैं बिग वोवल्स। इन स्वरों के उच्चारण दो मात्रा का अर्थात अश्व से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हैं, तो ये कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वर आठ माने गए। दो मात्राओं की गणना के लिए एस, यानी एस टाइप के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ली स्वर का दीर्घ रूप नहीं होता है तथा ए, आई, ओ, औ का अश्व रूप नहीं होता है। ए, आई, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण दो भिन्न स्वरों के मिलने से होता है, जैसे ए, ई, ए, 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 आई, ए, उ, ओ, ए, उ, ओ। प्लस स्वर, किसी वर्ण के लंबे उच्चारण में अथवा किसी को पुकारने में अंतिम स्वर प्लुत हो जाता है। प्लस स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। स्वर के बाद एस लगा दिया जाता है, जैसे ओ। वर्तमान समय में भाषा में इसका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया, यानी पहले वेदों की भाषाओं में या मंत्र उच्चारणों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आगे देखिए व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों को उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बनते, यानी उनमें स्वरों से मिलकर ही व्यंजन बनते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटे गए हैं, तीन प्रकार से बांटे गए हैं। एक है स्पर्श, अंतस्थ, उष्म और तो पहला है स्पर्श व्यंजन। वर्णमाला के कैसे में तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें भी पांच भागों में हम बांट सकते हैं, बांटे गए। प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण के नाम को उस वर्ग का नाम रखा गया, जैसे क वर्ग, यानी क वर्ग में कौन कौन से आए? क, ख, ग, घे, न। च वर्ग में च, छ, ज, ज, न। ते वर्ग में ट, थ, ड, ढ, न। ते वर्ग में त, थ, द, ध, न। पे वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब आगे देखिए अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं। कौन से? ये, रे, ले, वे। उष्म व्यंजन भी चार होते हैं। कौन से? से, 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 है। और संयुक्त व्यंजन, जैसे संयुक्त स्वर देख पढ़े, वैसे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। जब दो व्यंजन परस्पर जुड़कर एक नया रूप लेते हैं,
तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क और से क्या होता क्ष, तय और रे होगा त्रय, जय और ने होगा ये, और दे और ये दे, यानी जैसे अपन विद्या विद्यालय शब्द बनाते हैं। स और रे से स्त्रह, यानी श्रीमान श्रमिक श्री, ये शब्द बनते हैं। अब देखिए इसका अयोगवाह, जिसको इम्प्रॉपर लेटर्स कहते हैं, ये अयोगवाह भी दो प्रकार होते हैं, अनुस्वार और विस्वर। अनुस्वार जो बिंदी लगाई जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं, और विस्वर जो साइड में दो बिंदियां लगाई जाती है। तो अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग को किसी न किसी वर्ण के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे पुनः, गतः, पंक्ति, संयम आदि। हलंत, संस्कृत भाषा में व्यंजन को हल भी कहते हैं, यानी जो भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया था उससे 14 प्रकार की ध्वनियां निकली थी, उनमें हल, हल एक शब्द आता है, हैं, जिसमें इसको व्यंजन भी कहते हैं। जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला होता तो स्वर रहित लिखने में उनके नीचे एक तिरछी रेखा जिसको हलंत कहते हैं लगा दी जाती। इस रेखा को हलंत या तिरछी रेखा युक्त वर्ण को हलंत वर्ण कहते हैं। जैसे के, खे, गे, पे, इनका अर्थ होता है कि ये अक्षर आधे हैं। व्यंजनों स्वर का समावेश, व्यंजनों से जब स्वर मिलते हैं तो हलंत का लोप हो जाता है, जो हलंत है वो हट जाता है। जैसे देखिए क और ए, के और ई, की, के उ, कू, के और री, क्री, के लि, क्लरी, के और आ, का, के और ई, की, के और उ, कू, के और री, ट्री, के और के। अब देखिए आगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद होता है कि जो दो शब्द है उनके टुकड़े करना है। आप हिंदी में भी आता है वर्ण विच्छेद, ऐसे संस्कृत में भी वर्ण विच्छेद आते हैं। तो प्रत्येक शब्द कुछ वर्णों के मिलने से बना, इन्हीं मिले हुए वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो स्वर होता है शब्द को वही नाम दिया जाता है। जैसे शब्द के अंत में ए स्वर आ जाए तो वह अकारांत हो जाता है, ई हो तो इकारांत, उ हो तो उकारांत कहलाएगा। जैसे देखिए राम, राम शब्द किस किस से बनता है, रे आ प्लस मै प्लस ए, इसके अंत में देखिए क्या आ रहा है, राम शब्द के ए आ रहा तो अकारांत हो गया। ऐसे मान लो अपन देखते हैं पूजा, प उ प्लस ज प्लस आ, तो ये क्या हो जाता है, आ की मात्रा आ रही है तो ये हो जाता है अकारांत। ऐसे रवि को देखिए, रे ए व और ई, ई आ रहा अंतिम में तो इसको इकारांत कहते हैं। ऐसे ही मान लो बड़ी ई आ रही है अंत में तो ये इकारांत हो जाएगा। ऐसे ही गुरु में गे उ रे उ, तो अंत में क्या आ रहा है, उ, तो ये उकारांत हो जाता है। ऐसे ही वधु, वधु में भी बड़ा उ आ रहा है तो उकारांत। मातृ शब्द मैं, आ, ते और री, लास्ट में क्या आ रहा है, री आ रहा है तो रिकारांत हो गया। ऐसे इनके अनुसार ही शब्द बनते हैं। मान लो राजन, देखिए राजन शब्द में रे प्लस आ प्लस जे प्लस ए प्लस ने, अब देखो ये हलंत आ रहा है, ने के नीचे हलंत आ रहा है, अक्षर तो ने है लेकिन हलंत आ रहा है तो इसको हलंत शब्द कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी लिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर, लिंग जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग से संज्ञा सर्वनाम के स्त्री पुरुष या इससे भिन्न स्वरूप के होने का पता चलता है। संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, जिसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। दूसरा स्त्रीलिंग, जिसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नपुंसक लिंग, जिसको नेक्टर जेंडर कहते हैं। पुल्लिंग शब्द, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, आदमी। और संस्कृत में इसकी पहचान होती है कि जो शब्द के अंत में विसर्ग रहेगी ज़्यादातर, ये पहचान होती है थोड़ी सी, जैसे बाल के नरे। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, माला। तो इस स्त्रीलिंग में संस्कृत में थोड़ा सा है कि या तो उसके अंत में आ की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो ये शब्द स्त्रीलिंग की थोड़ी सी पहचान है। फिर है नपुंसक लिंग, जो शब्द न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, आम है। तो संस्कृत में इनकी पहचान होती है
संस्कृत में इनकी पहचान होती है, जैसे पुस्तकम इनके पीछे आदा में आम्रम फलम ये नपुंसक लिंग में आ जाते हैं। ठीक है, वचन संस्कृत में वचन किसे कहते हैं, वचन से किसी वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। तो संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन जिसको सिंगुलर नंबर कहते हैं, द्विवचन जिसको ड्यूअल नंबर कहते हैं, बहुवचन जिसको प्लूरल नंबर कहते हैं। एक वचन जिस शब्द रूप से उसकी एक संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, हैं? और द्विवचन जिस शब्द रूप से उसके संख्या में दो होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। देखिए फिर आगे देखिए अपना बहुवचन प्लूरल नंबर, जिस शब्द रूप से उसके संख्या में अनेक दो या दो से अधिक होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज कारक परिचय, संस्कृत में कारक संस्कृत में भी चलते हैं हिंदी में भी होते हैं, तो कारक के बारे में हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। जैसे संस्कृत में 8 कारक हैं लेकिन मुख्य रूप से 6 कारकों को इन्होंने मान्यता दी गई है। तो इसमें पहला है कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कार्य कर्ता कहलाता है, इसका चिन्ह ने होता है। और कर्मकार जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है, इसका चिन्ह को होता है। करणकार क्रिया में जो सहायक होता है उसे करणकारक कहते हैं, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। फिर है संप्रदान, जिसे कुछ दिया जाए जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं, इसका चिन्ह होता है के लिए। फिर है अपादान कार जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कहते हैं, इसका चिन्ह होता है से अलग होना। फिर है संबंध कारक, किसी शब्द का क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है उस संबंध कारक कहते हैं, जैसे का की के आदि शब्द होते हैं। अधिकरण क्रिया के होने का आधार स्थान समय अधिकरण कहलाता है, इसका चिन्ह होता है में पे पर, इसमें ये शब्द का प्रयोग होता है। अब आज हम थोड़े से शब्द रूप के बारे में, जैसे राम शब्द, यदि आपने ये शब्द रूप कर लिए तो बहुत सारे अपन कई और दूसरे शब्दों के रूप बना सकते हैं, जैसे बालक वानर नर अश्व सूर्य जनक आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके हम रूप बना सकते हैं। तो देखिए राम शब्द को देखिए, विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन, प्रथमाम बनेगा राम का रामे रामो रामा, द्वितीयम बनेगा रामम रामो रामान, तृतीयम बनेगा रामेण रामाभ्याम रामे, चतुर्थी बनेगा रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी बनेगा रामात रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी में बनेगा रामस्य रामयो रामानाम, सप्तमी बनेगा रामे रामयो रामेशु, संबोधन हे रामे हे रामो हे रामा, इस प्रकार ऐसे ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इनके अनुसार ये कई रूप बन सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।